बड़ी खूबसूरत खूबसूरत परियां यहाँ पर उतर कर आ गई, और इतनी प्यारी प्यारी हमारी कराची की जो है वो बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां जो यहाँ पर आती हैं इल्म हासिल करने और अपने घर को और अपनी आने वाली नस्लों को इस काबिल बनाने के लिए कि हम लोग पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के नक्शे पे रोशन देख सके। और बड़े मजे की बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और वो ये बात है कि अपनी जिंदगी का 4 साल का अरसा मैंने भी इसी कॉलेज में गुजारा है, और मैं भी सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ। और मेरी तरह और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि मुझे मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मिलती हैं, और बड़ी कामयाब लड़कियां हैं जो कि इसी कॉलेज की पढ़ी हुई हैं। तो जी एक बार मेरे साथ जोर से कह दें, सर सैयद कॉलेज जिंदाबाद। और हम यहाँ पर आए हैं सतरंगी करने के लिए, क्योंकि सतरंगी में हम बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि हमें घर बैठे देखती हैं सुबह 9 से 11 के टाइम पर, जो कि अपने घर में होती हैं अपनी लड़कियों को कॉलेज के लिए धक्का देकर आराम से लेट के चाय पीती हैं और फिर टीवी देखती हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज हम उन लड़कियों के साथ भी अपना सतरंगी मनाएं जो कि बेचारी सुबह सुबह निकल जाती हैं, कभी बसों में, कभी रिक्शों में, कभी वैन्स में। और मैं भी वैन में आया करती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे देर रहती थी और मेरी वैन निकल जाती थी, तो फिर मैं भी यहाँ से बस में आती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे सामने ही रहती थी, नाजाबाद में ही मेरा घर था। और बसों में अक्सर ऐसा भी होता था कि लड़कियों को आगे जगह नहीं मिलती थी तो हम पीछे ही चढ़ जाया करते थे। और यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो ये करती होंगी, आगे जगह नहीं है कोई बात नहीं, हम पीछे जाएंगे, लड़कों को पीछे भगाओ, इस शुरू की 4 टेबल पे हम बैठेंगे। तो जी मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता है आप लोगों से, इस कॉलेज से, और यहाँ पे हम NCC करते थे और पीछे कैंटीन थी, कैंटीन में बैठ के हम खाना खाते थे, 12 लड़कियों का हमारा ग्रुप होता था। और जितनी भी लड़कियां उनमें से कुछ अभी तक मेरी दोस्तें हैं जो कि मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं, उनसे मैं मिलती भी हूँ, हमारी दोस्ती भी है। और कुछ ऐसी हैं कि जिनका कुछ पता नहीं है, लेकिन फेसबुक पे कभी ना कभी मिल जाती हैं। आप लोगों को भी बहुत सारी फेसबुक पे अपनी पुरानी दोस्तें मिली होंगी, स्कूल की मिली है ना। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, और जितने भी लोग वहां पे अपने घरों में बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी या मैं स्कूल से जब कॉलेज आई, तो क्योंकि स्कूल में बहुत ज्यादा सख्तियां होती हैं हमारे ऊपर, हैं 2 चोटियां बांधनी है कस के, अम्मा यूं करके बांधती थी कि आंखें यहाँ तक चढ़ जाती थी हमारी, 2 चोटियां उसके साथ जोर जोर से रिबने बांध रही है। तो जब मैं पहले दिन कॉलेज में आई तो मेरी फुप्पो ने मेरा बड़ा साथ दिया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था लाइनों में लगना सब करना, मेरी फुप्पियों ने मेरी यहाँ पर एडमिशन करवाया और हमें तो इतना अंदाजा ही नहीं था। तो जब मैं पहले दिन आई तो मैंने कस की चोटियां बांधी हुई ना अम्मी ने, वही वाली यहाँ पे नहीं होती थी जो, और उसके साथ रिबने घुमा के ना जो टेढ़ी हो जाती थी चोटी, अगर रिबन ना भी घुमाए तो चोटी टेढ़ी रहती थी, इतनी छंग बंधी हुई होती थी। तो वो टेढ़ी चोटी बना के मैं पहले दिन स्कूल आई हूँ या कॉलेज आई हूँ, और मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा अल्लाह यहाँ तो कोई भी 2 चोटियां और वो भी इतनी सख्त वाली बना के नहीं आया हुआ, तो फिर मैंने क्यों बनाई हुई है। मैंने जोश में आकर ना चोटी खोल दी, और जब मैंने चोटी खोली तो मेरे बाल अजीब से हो गए, क्योंकि सुबह से चोटी बनी हुई थी तो टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, जब खोली तो अजीब निग्रो टाइप बाल हो गए मेरे। फिर मेरी समझ में नहीं आया, फिर मेरी दोस्त थी बड़ी प्यारी सी, उसने फिर जो है क्या कहते हैं मेरी दोबारा चोटी बनाई। और मेरी बड़ी दोस्तें थी यहाँ पे, सदव, जिया, मैमूना, कैकशा, नवीन, बहुत सारी दोस्तें थी, मैं किस किस के नाम लूँ। और बहुत कुछ हुआ जब नई नई कॉलेज आई, तो मैंने कहा यार यहाँ तो बड़ी आजादी है, क्लास लो लो, नहीं लो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारी टीचर्स यहाँ की, हमारी प्रिंसिपल इतनी अच्छी थी, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये 16-17 साल पुरानी बात बता रही हूँ, 16-17 साल पहले मैं इस कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो इतनी अच्छी थी, इतना मजा आता था उनकी क्लासेस लेके कि फिर दिल ही नहीं जाता था क्लासेस बंक करने का। लेकिन फिर भी मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड आप लोगों ने इधर गुजारना है इस कॉलेज में, उसको ऐसे ना गुजारें कि बस जान छुड़ाएं उससे, क्योंकि ये वो वक्त है जो आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इससे हसीन, इससे खूबसूरत ये एक गोल्डन पीरियड है, जो कि जब यहाँ से आप चले जाते हैं तो तब आपको एहसास होता है कि आपने कैसा टाइम था, कैसा वक्त था जो आपने ऐसे ही सरसरी गुजार दिया, इसको एंजॉय नहीं किया। तो ये कॉलेज स्कूल लाइफ ऐसी होती हैं कि इनको बहुत एंजॉय करके गुजारना चाहिए, उसके बाद जिंदगी के झमेले ऐसे आएंगे आपके ऊपर, शादियाँ, बच्चे, ससुराल, नंदे चुड़ैले।
इस टाइप की खवातीन आपके आसपास घूमना शुरू हो जाएंगी, आप कहेंगे अल्लाह मेरा कॉलेज कितना अच्छा होता था, मैं कहाँ आ गई। तो इस कॉलेज के टाइम को एंजॉय करें और एक एक वक्त को एंजॉय करें, क्योंकि ये वक्त आपको बाद में बड़ा पछतावा होगा कि हमारा वो वक्त कहाँ चला गया। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जबकि मैं शोबिज में हूँ, हमारे साथ बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, नई नई चीजें करते हैं, लेकिन जो मजा स्कूल और कॉलेज लाइफ में है वो मजा जिंदगी में कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो मजा आपको क्लास टीचर्स की डर में और डांटे खाने में और दोस्ती में, और जो टीचर आपको आपकी तारीफ करती है उसके अंदर जो आपको मजा मिलता है, वो मजा जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। तो इसको एंजॉय करेंगे। और आज मुझे यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना वक्त दोबारा आ गया। कहते हैं ना पुराना वक्त लौटता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पुराना वक्त लौट गया है वाकई। और इसीलिए मैं आज यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि मेरा यही यूनिफॉर्म होता था, रेड वी होती थी और व्हाइट शलवार कमीज, और कभी कभी हम क्या करते थे एयरलाइन शर्ट बनवा लेते थे। एयरलाइन नहीं होती, जो उस जमाने में बड़ा फैशन चला था एयरलाइन शर्ट का, और फिर टीचर कहती थी ये क्या पहन के आई है, साइड में से काट के आइएगा कल। और फिर अपनी अम्मी भी जाके गुस्सा होता, अम्मी आपने ये कैसे सी दी और मुझे बड़ी डांट पड़ी है और ये है और वो है। तो जी ये प्यारा वक्त है कॉलेज का, इसको बड़ा एंजॉय करके गुजारें, क्योंकि वक्त ये जो चला जाएगा ये जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। और जी एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक से हम वापस आएंगे और आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। आपके पसंदीदा आर्टिस्ट सिंगर यहाँ पर आएंगे, 2 घंटा आप एंजॉय करेंगे। आपसे मैं कुछ सवाल करूंगी, उनके बदले में आपको गिफ्ट भी मिलेंगे, गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे छोटे मोटे। तो हमारे साथ तैयार रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। डिस्काउंट वाउचर्स जो मैं आपको दूंगी, तो तैयार है? हाँ जी, पहला सवाल बताइए, कायदे आजम के मुताबिक पाकिस्तान में कितने नंबर आए थे? पूरे आए थे, उस वक्त मुताबिक पाकिस्तान था ही नहीं। उस वक्त मुताबिक पाकिस्तान कैसे होता है जबकि पाकिस्तान ही नहीं था? यही थे। सवाल नंबर दो, उर्दू में रे के बाद क्या आता है? दाल। जवाब दो। अच्छा जी, अब इनसे सवाल है मेरा, रेनबो में कितने कलर होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? इंडिगो। नहीं, कितने कलर्स होते हैं उन कलर क्या कहते हैं उनको उर्दू में? सतरंगी तो कहते हैं उर्दू में, रेनबो को सतरंगी कहते हैं, लेकिन उन कलर्स को क्या कहते हैं? नहीं सोच, विप्रियो। जवाब दो। और ये मुझे कौन बताएगा कि विप्रियो के कौन कौन से कलर्स होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, ब्रेड, ब्राउन, येलो। जवाब दो। अच्छा जी, आखिरी सवाल पूछ रही हूँ मैं, 1992 का वर्ल्ड कप किस मुल्क की टीम ने जीता था? पीछे पाकिस्तान ने। जी ये लीजिए। अच्छा जी, आखिरी सवाल, मेरे दोनों बच्चों के नाम किस किस को बताएं? अब इस साइड पे, पीछे। हाँ जी, जन्नत और इब्राहिम। और जी अभी इतना नहीं, अभी और बहुत कुछ है, और भी इनामात हैं और गेम्स हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं उन तमाम गेस्ट को जल्दी बुला लूं जिनके लिए आप लोग बेचैन हो रहे हैं, तड़पनियां खा रहे हैं। बुलाओ फिर आप लोगों की बहुत सारी तालियों में और शोर में।
तो सबसे पहले जी मैं बुलाऊंगी अपने ही सतरंगी के एक रंग को, जो कि आप जिसको बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं और आज वो आपके हाथ आ गए हैं। जितने सवाल उनसे पूछने हैं, जितना कुछ करवाना है आज उनसे करवा ले, कटिंग करवानी है, मेकअप करवाना है, जो करवाना है आज वो करेंगे। आपकी बात सारी तालियों में वाजिद खान। बहुत मजा आ रहा है, पूरा जबरदस्त ऑडियंस कभी मिली है जिंदगी में? नहीं नहीं मिली। आज क्या करोगे तुम बताओ मुझे? दो दिन लग जाएंगे इन बच्चियों को तैयार करने में हैं, ब्लो ड्राई करने में, बाल काटने में, मेकअप करने में। बस जरूरत नहीं है मेकअप की, वैसे ही बहुत प्यारी प्यारी है सारी। बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि उससे पहले हम अपने और मजीद गेस्ट को बुला लें। तो जी वाजिद के साथ जो है हम आज जो भी लड़कियां चाह रही हैं कुछ करवाना वो तैयार हो जाएं, सोच लें कि उन्होंने अपनी कटिंग करवानी है, अपने बाल बनवाने, जो भी करवाना है तैयार हो जाएं लड़कियां। लेकिन अब हम जिस गेस्ट को बुलाने वाले हैं उनके बारे में बताऊं कि आप क्या बताऊं, चले बताया मुझे टर्किश ब्यूटी कहते हैं इनको हम, और टर्की से ताल्लुक है, बहुत सारे ड्रामों में आ रहे हैं और बहुत सारे ड्रामे आप उनको देख रहे हैं, और हम उनसे हमेशा एक सवाल करते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करते, आप शादी कब करेंगे? तो आज आप लोग भी उनसे सवाल जरूर करिएगा कि आप शादी कब करेंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियों में टीपू शरीफ। अस्सलाम वालेकुम सबको, सुबह बखैर। सॉरी थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ, मैं खुद भी अभी पूरी तरह जागा नहीं हूँ, मुझे वो गुड मॉर्निंग मिस की आदत थोड़ी सी भूल गया हूँ मैं, वो गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ कैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर? कॉलेज के दिन याद आए आपने? हाँ याद आए, और सारे उल्टी सीधी चीजें याद आ गई। तो आप लोग तशरीफ रखें, बैठिए, और हमारे पास कितना टाइम है, बाकी के गेस्ट हम अभी बुलाइए। हाँ जहाँ दिल करे बैठ जाएं, बाकी के गेस्ट को भी हम बुलाते हैं। तो जी अब जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो जिस फील्ड में भी आगे बढ़े उनकी इज्जत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए जरा ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी फील्ड में जाकर कोई भी काम करना। लड़कों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, होस्ट बन जाएं, एक्ट्रेस बन जाएं, घर जाके अपने रोटियां जरूर पकानी होती है। तो भाई जिंदगी में किसी फील्ड में भी जाएं आप लोग, ये याद रखिएगा कि घरदारी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर औरत अधूरी है। बिल्कुल सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे? तो जी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी जाके बड़ा नाम किया, और एक बहुत ही प्यारी और सुरीली आवाज, आपकी बहुत सारी तालियों में कोमल रिज़वी। बिल्कुल ठीक ठाक कोमल, कुछ कॉलेज का दौर और याद आया, कौन से कॉलेज में थी तुम? मैं तो अमेरिकन स्कूल में थी, लेकिन सर सैयद की आई थिंक माय मदर वेंट टू सर सैयद कॉलेज। देखिए कितना करीब कॉलेज है ये। इस वक्त मुझे इतनी खुशी हो रही है टू सी दीज ब्यूटिफुल यंग गर्ल्स हियर सिटिंग विद मी। आज हम बहुत मजा करेंगे, गाने गाएंगे, थोड़ा सा ढिंका चिक्का भी करेंगे। And I have to tell you that मुझे इतनी खुशी होती है when I'm with girls and when I see these beautiful young budding young talents, मेरा दिल जो है वो बिल्कुल फखर से फूल जाता है। I'm very excited.
और जी कोमल यहाँ पर आ गई है, तो अब जिन मेहमान को मैं सबसे आखिर में बुला रही हूँ उनके बारे में भी जितना भी कहें कम है। ऐसी आवाज, ऐसी सुरीली आवाज और सुर बिखेरती हुई आवाज शायद पूरे पाकिस्तान में, बल्कि यकीनन पूरे पाकिस्तान में क्या कहीं पे भी नहीं है। उनका एक अपना स्टाइल है गाने का, और अल्लाह करे कि उनका स्टाइल हमेशा जिंदगी में कायम रहे। उन्होंने पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी बड़ी धूम मचाई। आपकी बहुत सारी तालियों में अहमद जाज़ेब। गर्ल्स कॉलेज में आते पहले भी डरते थे, आज भी डर रहे हैं। पहले तो तुम्हारे इरादे कुछ और होते होंगे ना जाते हुए, अब तो आज भी कोई इरादे नहीं है, आज भी कोई इरादे नहीं है। अच्छा हाँ, वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की पड़ी हुई है, इनका यूनिफॉर्म कैसा फिट आया ना। तुम्हें क्या लगता है ये 17 साल पुराना यूनिफॉर्म है मेरा? मुझे लग रहा है नया मंगवाया कल मैंने। तो आज क्या सुनाओगे लड़कियों? मैं सोच रहा हूँ आज यहाँ अच्छे सिंगर्स कौन है, हाथ उठाते हैं, उनको सुनना ज्यादा पसंद करूँ। बड़े हाथ उठते हैं भाई। वाह। और मजे की बात बताऊँ मैं कि मैं पहले किसी और कॉलेज में थी, और हाँ उधर भी देख लो जरा लड़कियाँ। मैं पहले किसी और कॉलेज में थी और मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, और जिस बेस पे मेरा यहाँ पे वो उन्होंने किया था वो यही था कि मुझे नातों के सर्टिफिकेट जो मिले हुए थे उसकी बेस पे मुझे लिया गया था। उसी के बेस पे गाना भी गा रही है। तो जी आज आप हमारे साथ रहिएगा, हमने खूब मजे करने हैं और बिल्कुल एंजॉय करना है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कॉलेज में कोई इस तरह के फंक्शन या स्कूल में कुछ हुआ करते थे, अल्लाह 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी, ये पहनना है, ये करना है, ये करना है। क्योंकि वैसे आप बड़े क्यों देख रहे हो मुझे? मैं तो बच्ची को देख रहा हूँ, क्या बोल रही है? स्कूल की बच्ची को देख रहा हूँ, क्या बोल रही? अच्छा क्या बोले जा रही है? क्या बोले जा रहे हैं? अच्छा मैं चाहूंगी कि आप लोग में से किसी को कोई बड़ा अच्छा गाना आता है, कौन वो लड़की है, बल्कि टीचर्स हमारी बैठी है, पहले तो अपनी टीचर्स के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। क्योंकि हमारे बचपन से लेके अब तक चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जो आइडियल बनना शुरू होते हैं और जिनसे जो है ना मोहब्बत शुरू होती है वो हमारी टीचर्स ही होती है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग जो सबसे अच्छा गाता है ना अपने कॉलेज में, जो फंक्शंस में हिस्सा लेता है, वो हाथ उठाएं और यहाँ पे आके एक अच्छा सा गाना सुना दें। कोमल यहाँ मौजूद है, अहमद जाज़ेब यहाँ मौजूद है, तो कौन आएगा भाई? हाँ हाँ अच्छा, और कोई 2-3 लड़कियां आइए, पीछे से कोई है, कौन है? आ गए बस जी, 4 काफी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अक्सा खालिद। अक्सा चलो जल्दी से सुनाओ, क्या सुनाओगे? एक अच्छा सा गाना है जो मेरा फेवरेट है। अच्छा सुनाओ। तेरी खुशबू और तेरी कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवटे जो तुमने छोड़ी है धीरे धीरे सब मिटाएंगे, ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना, आपका नाम? माहम कमल। माहम जी हाँ हाँ, जो भी गाना चाहो गा। कैसी खला ये दिल में बसी है, अब तो खताएं फितरत की सी है, मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा ऐ खुदा, गिर गया गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, गिर गया। हाँ जी, वो कहाँ चली गई गाना गा के? इधर आओ ना, इधर आओ। हाँ कहाँ जी? मेरे महबूब क्या मत होगी आज रुझ
तक लगी हुई है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, तो मेरे साथ ब्रेक लीजिएगा, खाई मत जाएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। और दो रह गई हैं, तो उनसे भी गवालियां जाए, क्या ख्याल है आपका? आप लोग रेडी हैं? सुनने के लिए तैयार है? जी नाम बताइए पहले। महानूर। महानूर, बुलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, मिटाऊं कैसे वो आंसू तेरी याद में बहा चुका, मर मैं जाऊं फना कहीं न जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से भी जाऊं ये हाँ भाई कमाल कर दिया तुमने तो। चलिए जी नाम बताइए। अरीबा कायनात। अरीबा चलो शुरू हो जाओ। अच्छा सा होए 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 बहुत अच्छा गाया, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरा गाया, अच्छा गाया या बहुत अच्छा गाया ये, लेकिन बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर गाना, तो बहुत सारी तालियां तो वैसे ही बजाएं इनके लिए। और जी हमारे दो मुल्क के बड़े नाम, हमारे दो सिंगर यहाँ मौजूद है, उनसे पूछना चाहूंगी कि आपको सबसे ऐसा क्या लगा कि सबसे अच्छा गाना किसने गाया है और क्या उसमें अच्छा था? मेरे पाँव में वैसे यूं करके लात मारी जैसे आप सिंगर बोला चलता है। तो किसका गाना सबसे अच्छा लगा आपको? आपसे पूछा है? नहीं, 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 हम तो बाल काटते हैं। पीछे क्यों खड़े हो? पीछे लड़ा लड़ा क्यों खड़े हो? आगे आओ ना, और पीछे वो मुझसे दूर खड़े होगा, मैं आपको लगती हूँ। हाँ टीपू बड़ा शर्मा रहे आज, लाल लाल गाल हुए। पीछे भी खड़े लगता, आगे ही खड़े है ना। ये तो है वैसे। अच्छा जी किसने सबसे अच्छा गाया मुझे बताएं, पांच लड़के आप बताएं आपको किसका सबसे अच्छा लगा? Well, इससे पहले कि मैं कहूँ किस एक लड़की ने अच्छा गाया, आई थिंक जो आपने कहा अर्लियर के बहुत बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि इतने सारे वो भी टीवी के सामने गा, तो सभी ने अच्छा गाया, लेकिन मुझे इनकी टोन बहुत अच्छी लगी, इनकी आवाज की जो टोन है और इनकी कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह उन्होंने एक्सप्रेशन में ओए होए होए, तो आई थिंक दीस टू गर्ल्स इन माय ओपिनियन डिड अ बेटर जॉब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उन्होंने जज किया मेरे हिसाब से भी। दूसरों की बातें बोलेंगे, मैं सीरियसली बताऊं, इसकी जो आवाज थी हस्कीनेस थी वो बहुत बहुत एक नई चीज थी इसके लिए, और उसका जो जॉलीपन था वो बहुत अच्छा था। ये तो होता है जो बनाता है। चले आप भी बताए थे, इन्होंने भी अच्छा गाया है। देखिए हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि बुरा किसने गाया, हम कह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा किसने गाया है। तो जी सबके लिए बहुत सारी तालियां, लेकिन जिनके लिए जिनकी टोन बहुत अच्छी लगी और जो जिन्होंने सबसे अच्छा गाया, ये जूरी सलोन के वाउचर्स हैं, डिस्काउंट वाउचर्स, और इसमें 1, 2, 3, 4 बहुत सारी चीजें हैं जो आप करा सकते, 10 चीजें हैं जो आप जाके करा सकती हैं। ये एक आपके लिए और एक आपके लिए, बहुत सही। और आप लोग भी बैठिए,
अहमद के सोए मेरे, आप गाना गाएंगे ना, आप थोड़ी बैठी यहाँ पे, ये लीजिए। अच्छा तो गाना गाना पड़ेगा, शुरू कर देंगे। आप लोगों ने सुना है गाना? कम आई आवाज बच्चे के सामने। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन हम घूम चुके
बस जीवन में एक आस की खास लिए मन में, कोई साजन हो कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो आप एक एक बार कहो तुम मेरी हो। सारे गाने अभी गा दूंगा फिर आगे का गाएंगे, आगे मिलकर गाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई मजा आ रहा है लड़कियों, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है यहाँ पर, और ये स्टूल्स लग चुके हैं यहाँ पर, और लड़कियां अपने हाथ उठाए और उसमें से वाजिद सेलेक्ट करेंगे कि वाजिद ने किसके, जी जी कहिए क्या कह रहे हैं, वाजिद सिलेक्शन टाइम, वाजिद ने आज किसको ग्रूम करना है, किसके बाल बनाने हैं, किसका मेकअप करना है हल्का सा। वाजिद ऐसा मेकअप करोगे ना कि जो कॉलेज, खड़े हो जाओ। हाँ वाजिद, देखिए मैं बताता हूँ, बच्चियां तो मैंने देख ली है, दो चार बच्चियां हैं बहुत छोटी छोटी से, अच्छा ये बैठी है चार बच्चियां, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैडम के भी, मिस के भी, किसी के बाल, किसी टीचर के भी, किसी टीचर के, इनके ब्लो ड्राई करना चाहते हैं, आपका ब्लो ड्राई करें, हाँ आपका ब्लो ड्राई आ जाए, चलो जी बहुत ठीक है, ब्लो ड्राई करेंगे और ठीक है, आप आ जाओ बेटा, आप हाँ आप आ जाओ, दो आ जाए, आप आ जाओ इधर, आ जाओ आप इधर, और भाई आज वाजिद खान सलोन सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में खुल चुका है। अच्छा जी बक्सी लगी हुई है यहाँ पे, हर चीज है मौजूद, वाजिद नीचे देखो, नजरें दौड़ाओ जरा, सब कुछ लगाया हमने, क्योंकि जब हम कभी आउटडोर शो कहीं करने जाते हैं, क्योंकि हमारा स्टूडियो नहीं होता है, स्टूडियो में तो सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करने के लिए। तो जी अभी वाजिद खान साहब जो अपने चीजें, अपना जो सामान है वो लगा रहे हैं, जब तक हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद है और बहुत कुछ होने वाला है शो में, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। बनना है, चाची भी बनना है, पुप्पी भी बनना है, नंद भी बनना है, सास भी बनना है, वो यहाँ पे मौजूद है, अपने लिए खुद एक दफा जोरदार तालियां बजाइए। और जी हमारा शो होता है 9 से 11, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आज हमने अपने शो के टाइमिंग्स बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पे इतना मजा आ रहा है। तो जी आज हमारा शो होगा 9 से 11:30 तक, देखते हैं कि वाजिद साहब क्या कर रहे हैं। वाजिद, अरे वाह भाई वाजिद, ये आपको पता नहीं, ये टीचर हैं, हाँ अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। नहीं नहीं उनसे पूछ, पनिशमेंट होगी, और यूं करके हाथ ऊपर करके ना क्लास के बाहर जैसे खड़े होते थे हम लोग, मैं भी खड़ी हुई हूँ बहुत दफा, वैसे खड़ा होना पड़ेगा आपको। कैसा फील कर रही हैं आप ऐसे? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग, वाजिद तो वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने बहुत शख्सियत मिली है अपने प्रोग्राम में। एक सेकंड मैं माइक देती हूँ, माइक पे बोलिएगा आप, मैं तो अपना करती रहूंगी। क्या कह रही है आपने अपने प्रोग्राम में बड़ी अच्छी शख्सियत का चुनाव किया, वाजिद का बताने का स्टाइल, मेकअप और हेयर स्टाइल बहुत बेहतरीन है, जो बच्चों को भी, मैं समझती हूँ यंग बच्चियों को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तालियां बजाए भाई। अच्छा ये बताओ मुझे कितना साल हो गए यहाँ पर? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, मैं याद हूँ आपको? हाँ बिल्कुल याद है, आप भी मुझे बहुत याद है मुझे, जब आप नाक पढ़ने। लेकिन आपका सिर्फ बालों का कलर चेंज हुआ है, आप बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं। हाँ भाई, असल
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फिलजा। फिलजा, फिलजा पहले कराए हैं ये आयरन वगैरह? नहीं, ये सब पहले नहीं कराया। अरे पहली दफा हो रहा है वाजिद, देखो खुशकिस्मत हो तुम। हाँ, वो तो पहली बार इनको अपना लुक चेंज लगेगा। पहली बार में कोई चीज करे तो वैसे ही चेंज लगती, तो उसमें वाजिद का कोई कमाल नहीं होगा। देखिए मिस गुल का हो गया, हल्की सी स्टाइलिंग से सिर्फ एंड नीड किए और साइड की पार्टिंग की। मिस गुल कैसी लग रही है आपको? और सारी तालियां बजाएं इनके लिए। आपका नाम? युसरा। युसरा, पहले करवाए स्ट्रेट बाल? करवाए हैं जी। आज भी स्ट्रेट हो रहे हैं। अब तुम इतराती रहना दो दिन तक। सर नहीं धोना, सर नहीं धोना। अच्छा ये एक मैं यहाँ पे बैठी है, बड़ी इंजॉय कर रही है हर बात में, बड़ा हंस रही है, बड़ी खुश हो रही है, इशारे भी कर करके मुझे कह रही बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा सुंदस। सुंदस, आप क्या यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ आर्ट्स की पोस्ट पे हूँ। वाह भाई वाह, तो डांटती है लड़कियों को? बहुत डांटती है। अच्छा मैं जो थी ना, मैं परफेक्ट थी, तो मेरे पास ये रेड भी होती थी और यहाँ पे मेरा परफेक्ट का वो बोल लगा था, मैं बड़ा रोल्डिया में रोक जमाती थी, बड़ा रोक जमाती थी। और मेरी ड्यूटी होती थी कैंटीन के पास। यहाँ पे कौन ऐसा जिसकी ड्यूटी कैंटीन के पास है? है किसकी ड्यूटी है कैंटीन के पास? अच्छा कह रहे आप आखिरी थी, उसके बाद किसी की ड्यूटी नहीं लगी। अच्छा जी कोमल भी हमारे साथ मौजूद है और टीपू भी है। कोमल से भी हमने गाना सुनना है, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि जरा टीपू आप जरा इधर आए ना, आप बड़े खामोश बैठे, और जरा होस्ट करें प्रोग्राम, जरा प्रोग्राम होस्ट करें, लड़कियों के पास जाएं, सवाल जवाब करें, उनसे पूछें कि वो जिंदगी में आगे जाके क्या बनना चाहती हैं, क्या एम है उनके। जाएं तो टीपू के लिए तालियां। मैं सोच रहा था कि शायद खामोशी से ये वक्त कट जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं फंस गया हूं। तो फिर पूछ ही लेते हैं। अच्छा ऐसा कौन है जो मुझसे ज्यादा शर्मा रहा है यहाँ पे? उसको पकड़ते हैं। ये सही ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है। तुम्हारी बारी आ गई है, बस टीपू के बाद। अच्छा मेरा तो माइक ऑन है, मेरा ख्याल है कॉलर वाला। ये लीजिए। ये खूब है, तुम बाइक पकड़ा रही हो, तुम जाओ। टीपू का सवाल, हाँ स्कूल टाइम्स में किया है बिल्कुल। क्या किया है? करेक्टर स्केचेस पे जो नॉवल होते थे उस पे रोल एक्टर्स के। कौन सा वाला नॉवल पढ़ा है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ा है। ओए होए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ा है, ऑलिवर ट्विस्ट का। ऐसा करते हैं कि 10-10 नहीं, बहुत थोड़ा हो जाएगा मेरा ख्याल है, कोई 20-20 सेकंड के लिए। हाँ। कोई 5 लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं या 6 लोगों को, जो कुछ एक्ट आउट करके दिखाएं, और फिर आप ही लोग डिसाइड करें कि उनमें से बेहतरीन परफॉर्मेंस किसने की। क्या ख्याल है, हो जाए? तो कौन समझता है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है या एक्ट्रेस है यहाँ पे, तो आए आ जाए। और बहुत सारे लोग नहीं, बस दो, दो चार और चार और चार और आप आ जाए बस 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 बस। अच्छा आ जाए, अब आ गए तो आ जाए। अब इनके ग्रुप्स बना देते हैं चार चार, लेकिन हमारे पास दो ही माइक्स है ना सिर्फ एक्चुअली। ओहो हो, ये तो मसला हो गया। कोई बात नहीं, एक माइक मैं ले लूंगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। शुरू करते हैं। सिचुएशन कौन देगा वाजिद? सिचुएशन ये है, सिचुएशन क्या, आप लोग पार्लर आए, सैलून पे आए, अपनी सिचुएशन बना दी है, ठीक है, आप लोग सैलून आए, और आप सैलून ओनर कौन बनना चाहेगा? अच्छा ये ओनर है और आपने इनके बाल जला दिए, सही है, आपने इनके बाल जला दिए, और ये आपकी वर्कर है, इन्होंने इनसे काम खराब हुआ और आप इनको सेटिस्फाई कर रही हैं, और यही दूसरी टेबल में बैठी है, इनके बाल बहुत अच्छे हो गए, सही है, और ये तारीफें कर रही हैं। वाह ठीक है, ये सिचुएशन, ये चार लोगों का है। अच्छा जो बच गया है वो साइड पे आ जाए जरा, इनके बाल जल गए, आपके बाल जल गए, ठीक है, तालियां भाई। ये लो भाई, दूसरी कौन है, कौन सी वाली है, आप है, चलिए जी शुरू हो जाए। वाजिद साहब, हाँ किसके बाल जले, जिनके बाल जले उनको दे माइक, आपके जले, अभी जलेंगे, अभी कहाँ जले। हाँ जी, ये कच्चे बाल बनाए तुमने मेरे? मैंने आपके बाल बिल्कुल ठीक बनाए। तुम सालन पका रही, मेरे बाल बना रही थी। मैंने आपके बाल बिल्कुल ठीक बनाए, आपको आप अपनी मेरे बाल सही लगते हैं, बालों की मैम, आप
आप तमीज से बात करें। तमीज से क्या बात करें, आपने मेरे बालों को बुरा कर दिया। आपके बिल्कुल सही बनाया, आप और भी बात करो। मैंने आपके बाल बिल्कुल सही बनाए। सुनो आपके मर जगह पे, बहुत सारी तालियां सबके लिए। थैंक यू सो मच। और जी आपने भी करवाने, अच्छा ठीक है वाजिद एक और यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने बोला कि ना मेरे बाल सर कम मत। अरे वो आया छोटे। अच्छा वाजिद क्या कर रहे हैं, इनका हेयर कट कर रहे हैं बट लॉन्ग लेयर्स में। और हेयर कट इनका हेयर कट कर रहे वाजिद लॉन्ग लेयर्स में। लॉन्ग लेयर्स में ठीक है, सही है। हेयर कट करने के लिए आपके बाल जरूरी है प्रॉपर गीले हो, वेट होने चाहिए पूरे, ताकि आपका हेयर। वाजिद इतना मजा आ रहा है ना, ये पानी मेरे पर आ रहा है गर्मी में, और बहुत गर्मी है। अचानक से गर्मी शुरू हो गई, सुबह सर्दी थी और अब गर्मी शुरू हो गई है। तो वाजिद जो है वो हेयर कट शुरू कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? इंशा। इंशा इंशा जी उठो, आप कुछ करो। वो बोला इंशा है? अच्छा जी, इंशा के बाल कटने वाले हैं। आपने बता देना है कि कितना काटना है बालों को, क्योंकि ये जो काटने वाले लोग होते हैं ना, इनके हाथ नहीं रुकते फिर कैंची जब इनके हाथ में आती है बालों पे। तो बता दे कितने करवाने हैं। ये मैं लेंथ थोड़े से ज्यादा, लेंथ कम नहीं करना है। ठीक है, तो जी बहुत सारी तालियां वाजिद के लिए। जीता हो दोनों, इतना लड़ रही, दोनों ही जीत गई। भाई लड़ने वाले कभी हारते हैं? हमारे यहाँ लड़ाइयाँ शुरू होती है तो कब हारते हैं हम लोग। अच्छा टीपू, मैं चाहूंगी कि एक थोड़ा सा गाना भी गुनगुना दो तुम, क्योंकि फिर हमने कोमल का गाना सुनना है जबरदस्त। नहीं नहीं, सारी चीजें एक ही सेगमेंट में थोड़ी कराएंगे, सब कुछ एक ही सेगमेंट में थोड़ी कराएंगे हम। कोमल का गाना तो हम इसके बाद वाले सेगमेंट में सुनेंगे, ताकि जरा लंबा गाना हो ये सेगमेंट। अब होने मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काशिफ यार अब अकेले कर लिया करें प्लीज। क्या बात कर रही है, काशिफ के बगैर सतरंगी इनकम्प्लीट है, मतलब जितनी है। और जवेरिया है उसी तरह। सुनो ना संगे मरमर किए में नारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बढ़े उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए।
ओरे पिया रे ओरे लम्हे तू कहीं मत जा सके तो उम्र भर थम जा जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे थैंक यू बहुत शुक्रिया अपने बैंड के साथ बैठा हूँ अरे आप नजर क्यों नहीं आ रहे थे आज मुझे क्या बात है बहुत दूर दूर लग रहे थे आज आप कैसा लग रहा है काशी भाई आपको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा आप कभी कॉलेज गए जी जी बिल्कुल तो आपका कॉलेज जो है वो खाली लड़कों का था या नहीं लड़कों का था लड़कों का खाली लड़कों का था आज कैसा लग रहा है लड़के कॉलेज में आकर आपको बहुत अच्छा कॉलेजों की कहानियों से याद आया मैं पढ़ा था डीएचए कॉलेज में तो हमारे करीब ही होता था डीएचए डिग्री कॉलेज फॉर विमेन आप लोग झांकते होंगे दीवारों से नहीं इतना करीब नहीं था अच्छा। लेकिन हम पूरी कोशिश करते थे कि रोज वहां पर किसी तरह पहुंच जाएं और अब तो खैर हमारे कॉलेज की दीवारें जो हैं वो ऊंची भी हो गई हैं और उसके ऊपर बार्ब्ड वायर भी लग गई है तो अब उसके ऊपर से कूदना मुश्किल है पहले हम छलांग मार के निकलते थे और एक गाड़ी में 8 या 7 या 9 किसी भी तरह बैठ के वहां पहुंचते थे एक बार हमारे 3 दोस्त वहां फंस गए और रेंजर्स वहां पर पोस्ट किए हुए थे उन्होंने एनसीसी चल रही थी एक चीज होती थी अब पता नहीं होती है कि नहीं होती तो एनसीसी की यूनिफॉर्म में वो समझ रहे थे कि वो फौजी लग रहे हैं बड़े हीरो लग रहे हैं और वो वहां पहुंच गए और वो तीनों पकड़े गए प्रिंसिपल के हाथों और उन्होंने इसी तरह के एक कंपाउंड में उन्होंने झाड़ू लगाया और वो लड़कियां वो सब देख रही थी और उन तीन में से मैं भी एक था बड़ी देर बाद खुले लेकिन खुले सही टीपू और जी हम लोग भी जब यहाँ पे कॉलेज में पढ़ते थे तो रोज किसी ना किसी की पिटाई बाहर हो रही होती थी हम भी देखते थे और वैन वाले अंकल मार रहे होते थे तो जी आज हम आप लोग के साथ हैं ससैयद गर्ल्स कॉलेज में आपके साथ कुछ देर और यहाँ पर वक्त गुजारेंगे लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का तो मेरे साथ कहीं मत जाएगा देखते रहिएगा सतरंगी लेकिन हवा बहुत चल रही है सारी बच्चियां आई सर हेयर कट कर दे हेयर कट कर दे तो बाल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट मेकअप कर सकते हैं स्टाइलिंग कर सकते हैं बट बाल काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो वाजिद के लिए बहुत सारी तालियां और जी लड़कियां हाथ उठाएं कौन खाने की शौकीन जल्दी 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 तुमने पहले से लिया नहीं आओ एक मिनट एक यहाँ से आओ तुम आओ जिसकी नाक में बाली है आ जाओ मेरी बालियां बड़ी उतरवाई है मेरी टीचर्स ने और आज तक नाक मेरी बंद हो गई है अभी तक नहीं खुली है आ जाओ जल्दी और जी आओ आप आओ तीन हो गई 2 और चाहिए आओ आ जाओ 5 हो गई है पूरी और जी मैं आपको
काउंटर दूंगी और आप इधर इस साइड पे आ जाएं ताकि आप नजर आए इस साइड पे. हाँ ठीक है, इस साइड पे. अच्छा इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे. ठीक है, नहीं. अच्छा जी इधर आ जाएं, सब इधर आ जाएं. ये रख दी हैं आप लोगों के समोसे, अपनी अपनी प्लेट चूज कर लें. ये पानी है आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, अगर पानी की जरूरत पड़े तो पानी जरूर पीजिएगा. तो जी स्टार्ट करें, रेडी है. एक मिनट. हाँ जी, 3, 2, 1 स्टार्ट. आपकी है और ये आपकी है. अच्छा जी, तीन साढ़े तीन. ठीक है, यानी हमने डेढ़ समोसा खाया ना. अच्छा जी, 1, 2, 3. अच्छा इनका थोड़ा सा रह गया है, लेकिन बाकी जो है ना वो इसके अंदर है. इनकी प्लेट बिल्कुल खाली है. 1, 2, 3 डेढ़ नहीं है मेरी जान. ये देखो ये प्लेट के अंदर है. इनकी प्लेट देखे ना, बिल्कुल खाली है. इनकी प्लेट में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है. अच्छा जी, 1, 2, 3 प्लेट में है. 1, 2, 3, 4 यार इधर आओ. तुमने तो नाम डुबो दिया कॉलेज का. एक समोसा नहीं खा सकी तुम. हम तुम्हारी उम्र में थे, 5-5 समोसे कैंटीन के खाते थे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे होते थे. अच्छा जी, तो जी हमारी विनर जो है आज की, क्या नाम है, मानूर. बहुत सारी तालियां मानूर के लिए, और मानूर के लिए हमारे पास गिफ्ट है, मानूर को देंगे. ये लीजिए मानूर के लिए बहुत सारी तालियां. तशरीफ रखिए अपनी अपनी जगह पर. पानी की बॉटल ले जाना चाहे तो ले जा सकती हैं. और जी ये टेबल हटवा दें जरा सामने से जल्दी लड़को टेबल हटाओ. मजा आ रहा है. फैंटास्टिक. मुझे समोसा चाहिए. जवेरिया जी इनका भी हो गया. वाह 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 वाह. देखिए जी लड़कियों ग्रूम हो रही हैं और कितने अच्छे, कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. जोर से नोचे वोचे तो नहीं बाल? नहीं नहीं. नाम क्या आपका? इंशा. इंशा जी कैसे लग रहे हैं आपको? इंशा के लिए बहुत सारी तालियां और बाजिद के लिए भी बहुत सारी तालियां. बाजिद कितनी लड़कियां रह गई आप? बस इनका. ओह माय गॉड, आई एम बर्निंग. इनका सब दो किया है. सही. ओके, ये कारपेट जरा सही करें यहाँ पर आकर. और जी अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अब जो हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं वो है हमारी बहुत ही प्यारी कोमल रिजवी की. और इसके लिए कुछ लड़कियां हमने ली हैं यहाँ से जो इनके साथ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करेंगी, हल्ला गुल्ला करेंगी. तो आप लोग तैयार हैं कोमल रिजवी के लिए? आइए कोमल. कोमल के लिए एक बार फिर बहुत सारी तालियां. साइड वाली में तुम छोटी बनाती हो, जिसकी मांग करती हो जी. ये देखो पकड़ो बेटा. ऑलराइट, हल्ले गुल्ले से पहले मैं एक बहुत ही स्वीट और रोमांटिक गाना जो अभी मैंने रिलीज किया है जिसका नाम है तू बह गया, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी. उसके बाद हम हुल्लड़ हंगामा करेंगे. आई होप यू गाइस लाइक इट.
No. Very sweet, very sweet. लेकिन अब थोड़ा सा I really really want कि थोड़ा सा mood जो है वो romantic से थोड़ा हल्ला गुल्ला वाला हो जाए. तो मैंने एक टीम वॉलंटियर की थी विच इज वेरी 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 स्पोर्टी टीम. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दीज गर्ल्स. कम ऑन गाइस. अच्छा मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तक ब्रेक हो रही है, मैंने माइक लगा हुआ है, जब तक ब्रेक हो रही है हम लड़कियों को यहाँ पे बुला के सेटल करते हैं और आप एक छोटी सी ब्रेक लें. देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रही है जिंदगी. बबुले सीरे शुमा बे मल्ले उर्दले सीरे शुमा बे मल्ले बबुले सीरे शुमा बे मल्ले उर्दले सीरे शुमा बे मल्ले शुमा बे मल्ले मशंक बया बे मल्ले मनाद्र बया बे मल्ले मशंक बया बे मल्ले मनाद्र बया बबुले सीरे शुमा बे मल्ले उर्दले सीरे शुमा बे मल्ले बबुले सीरे शुमा बे मल्ले तैयार हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टैलेंटेड लड़कियां है हमारे यहाँ पर और कॉन्फिडेंस चाहिए डांस के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए. एंड दीज गर्ल्स वर लाइक 10 मिनट में उन्होंने कहा भाई हम तो कर लेंगे. आप कुछ कहना चाह रही हैं?
आप भी तो इतनी अच्छी सिंगर हैं, एक सॉन्ग आप मैं गुनगुना देती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, गाना इस वक्त छोटा सा गुनगुना दो, जिस बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं फिर बाद में मजाक उड़ाते हैं, खासकर वो जो पीछे बैठे ना, वो जो पीछे बैठे ना मैं जहाँ से वो मेरा बहुत मजाक पुराना। अच्छा मैं टीचर्स के जमाने का गाना सुनाती हूँ, चले ठीक है, सही है, चले जी। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, बहुत ज्यादा मेकअप लगा के आप लोग बड़े लग सकते हैं, तो जितना मेकअप ये आज किया है तो उतने की मेकअप की एप्लीकेशन आप अपने ऊपर करें। कितनी चीजें यूज किया आज तुमने मेकअप में? ब्लशर, ग्लॉस और बाल बनाए, बस 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 बस। वाह वाह लड़की, आपको अच्छी लग रही है, चेंज लग रही है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अपनी अपनी जगह पे बैठिए और दो लड़कियां और रह गई हैं इनका, जब तक ये तैयार होता है, ये लोग तैयार होती है, जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक मेरे साथ आप लोग लेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि सतरंगी रंग देगी जिंदगी, ठीक है? तो मेरे साथ ब्रेक लेनी है तो देखते रहिएगा, सतरंगी रंग देगी जिंदगी। Thank you.
की कॉलेज की लड़कियां बड़ी जिंदा दिल है, बड़ी जबरदस्त मजेदार। और अब एक और मुकाबला होने जा रहा है जिसके लिए हमें मेरे जैसी मोटी मोटी तीन लड़कियां चाहिए। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? दूर से दिखाई देनी चाहिए ऐसी लड़कियां। नहीं, आप तो बहुत ही दुबली हैं। आप बैठे, आप आए। अच्छा, एक सेकंड, बस बस बस, यहाँ से बस आप आए। हाँ, आप मोटी बल्कि आ जाओ। कितनी हो गई? बस छह लड़कियां चाहिए, छह। ठीक है, नहीं आप नहीं, आप कहाँ से मोटी हैं? चलें। हाँ, ये बस कितनी हो गई? एक सेकंड, आप जाइए प्लीज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात हो गई है, तो हमें तो छः चाहिए। जो सबसे, इसमें सबसे पतली कौन सी वाली है? ये वाली, ये, 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 चलो आप जाओ। अच्छा जी, आप जी कोमल और अहमद आ जाए इस साइड पे, और वाजिद और टीपू आ जाए इस साइड पे, और आप लोगों ने अपनी अपनी टीम को हौसला दिलाना है कि आप लोग जीतेंगे, और हमने देखना है कि इनमें से जीतता कौन है। ठीक है, तीनों लड़कियां, भी खेलना है। तीनों लड़कियां, हमें भी खेलना है। नहीं। अच्छा, आप लोग इस साइड पे आए, थोड़ा और आगे आए, आप और आगे आए, इस साइड पे आए, इधर आए, जहाँ मैं खड़ी उधर आए, इधर आए, जल्दी आए, टाइम नहीं है, और करीब आए। हाँ, बस सही है। अच्छा, इस साइड पे आओ, टीपू ने तो कवर भी बांध लिया। लुक एट दिस साइड, तो नजर भी नहीं आओगे तुम। पकड़े नहीं आप, उन्होंने भी पकड़ा। एक मिनट, अभी जोर ना लगाएं। अच्छा, मैं जो हूँ ये बीच में खड़ी हुई हूँ, ठीक है? ये बीच है, ठीक है, शुरू करें। इससे कमर पे हम आपको टाइम बताएंगे। रुक जाओ लड़कियों, अभी शुरू नहीं हुआ। अहमद नहीं करो, मैं कुछ नहीं कर रहा, इधर आओ। अच्छा, जब तक मैं बोलूंगी जब तक स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है? छोड़ दे, लूज छोड़े अभी। हाँ, छीने रहे हैं दूसरे से। मुकाबला मेरा तुम्हारा, तो एक मिनट होगा आप लोगों के पास, ठीक है? मजा आता है। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होगा आपने खींचना शुरू करना, मैं बीच में हूँ। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। फाइनल मुकाबला कराते हैं, दोनों को खड़ा कर देते हैं। चलो सही है, बाजी था, आज आप लोगों को बहुत शौक था। नहीं नहीं, आप करेंगे, आइए आइए भाई दोनों, बाजी और अहमद। हाँ, बाजी आ गया, क्या हो गया? बीच में एक दफा, ये लास्ट टाइम हो रहा है। इधर आए लड़कियों, आ गए लड़कियों ने करने दे, उसने तो खींच गया यार, रस्सी लग गया। अब कोई अहमद इधर आ जाओ, इधर आओ बाजी, इधर आओ टीपू, इधर आओ। अल्लाह, में आर्टिस्ट संभालने मुश्किल हो रहे हैं मुझे। सारे आर्टिस्ट इधर आ जाओ, अहमद हिलोगे नहीं यहाँ से। मैं हिल नहीं रहा, ठीक है? मैं बीच में हूँ। टाइम स्टार्ट नाउ। हम जीत गए। और ये जीतने वाली टीम को मिल रहे हैं जूरी सलोन के तीन बहुत
रिजवी की है, इनको भी दे। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपनी टीम के लिए? मैं कहना चाहती हूँ कि जीतेंगे, हम जीतेंगे, हमेशा हम ही जीतेंगे। ठीक है, हाँ, एक एक वैसे पूरे स्कूल को मुझे सुनाना चाहिए गाना, मैं तो सुनाती रहती हूँ, मेरा तो काम ही है गाना सुनाना। एक पूरे स्कूल एक मुझे गाना सुना। कॉलेज के साथ ही गाएंगे, वैसे गाएंगे आप लोग कोमल और अहमद के साथ। मैं शुरू कर रही हूँ फिर आप लोगों को, लेकिन गाना मैं चुप हो जाऊंगी, ठीक है? ऑलराइट। ऐसी जमीन इनके सिवा बढ़ती रहे, चलता रहे ये कारवां, और मजा आ रहा है। हाथ ऊपर जोर से। खड़ी हो जाए ताकि हम आखिरी गाना कर आखिरी नहीं है अभी हमारा शो जस्ट नहीं, 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 मेरा तो आखिरी धमाल हो गया। अच्छा ओके गाइस, दिस इज अ धमाल जिसमें अगर आप जो लड़कियां खड़ी हुई हैं, वरना वो पूरा इन लोगों का वो खराब हो जाएगा, लैंडस्केप खराब हो जाएगा। तो जो लोग खड़ी हुई हैं उनको मेरे साथ और अहमद के साथ धमाल डालनी है। यू गाइस रेडी? वो लोग तो रेडी है, वो लोग तो चढ़ गए भाई, वहीं वहीं अपनी जगहों पे। हो लाल मेरे पत्थर रखियो बला झूल लाल सिंदरी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो चराग तेरे बने हमेशा चार चराग तेरे चार चराग तेरे चार चराग तेरे बने हमेशा शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली शाबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी।
बहुत ही आला मजेदार से कॉलेज में, जिसका नाम है सर सैयद गर्ल्स कॉलेज। और ये प्यारी प्यारी लड़कियां, मैंने पहले भी कहा था, परियां उतरी हुई हैं यहाँ पर। आज ऐसा लग रहा है सफेद सफेद परियां हर जगह घूम रही हैं, यहाँ देखो नजर आ रही हैं। और एक गेम और हम करने वाले हैं, और जीतने वाले को इनाम मिलेगा जाहिर है, और इनाम यहाँ पर रखा हुआ है सामने। तो मुझे तकरीबन 4 लड़कियां चाहिए। हाँ इस दफा पीछे से लो बेचारी, हाँ, पीछे से हाथ करी रहती है। अच्छा जल्दी से आप आए, ये जो छोटी वाली आगे रखी हुई छोटी, हाँ आप और इनके बराबर में जो खड़ी है वो भी आ जाएं, आप भी आए, दो आप आए जल्दी से, हाँ आप आए और आपके बराबर में जिनको भी लेके आए आप भी आ जाएं। कौन आना है, किसको आना है, हाँ आप आए जल्दी 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 जल्दी। और जी मैं आप लोगों को समझा दूं कि मुकाबला क्या है, ये टिश्यू रोल यहाँ पे रखे हुए हैं, 4 चाहिए थी, इतनी सारी नहीं, प्लीज प्लीज आप जाइए वापस, जो इनको मैंने बुलाया था सिर्फ वो यहाँ पे खड़ी रहे, बाकी 2 वापस चली हैं, आप दोनों वापस चली हैं जल्दी, बुलाया था छोटी आगे जल्दी 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 आप जल्दी जल्दी दोनों दोनों आप लोग जाइए, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बाजी इधर आओ, तुम्हारे ऊपर करके बताऊंगी मैं, ये टिश्यू रोल है और आपने इसे मम्मी बनानी है, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगी किस तरह बाजी घूमो, ऐसे आहिस्ता 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 घूमना है, ठीक है, जिसकी मम्मी सबसे अच्छी होगी वो जीत जाएगा। ये टिश्यू रोल आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक एक दे देती हूँ, कौन मम्मी बनेगा डिसाइड कर ले आपस में, और हम शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। नफीस भाई याद है, नफीस भाई जिंदा है, यहाँ है, जिंदा है, अरे नफीस भाई कहाँ है, इधर आइए, इन्हीं को तो हम फीसे दिया करते थे, इन्हीं से कहते थे प्लीज 2 दिन बाद दे दूंगी, नाम मत काटिएगा मेरा। नफीस भाई के लिए बहुत सारा सलाम हमारा, और अब तो माशाल्लाह उस वक्त तो वो एक ही लड़का हुआ करता था पूरे कॉलेज में। अब तो वो भी माशाल्लाह बाल बच्चों वाले हो गए होंगे, बिल्कुल जी। और अब जी मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों को वाजिद से गाना सुनना है तो थोड़ी सी तालियां बजा दें, वाजिद आ जाओ, और अहमद अगर आप इसके साथ थोड़ा सा गालो भी चारे के साथ, ये इसने जब तैयारी की रही, ये गाना जो है मैं बचपन से गाता आया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आज ना गाऊं, आज तुम गाओगी गाना, चलिए बहुत सारी तालियां वाजिद के लिए। तू ले आ दे मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावां झुमके, तू ले
आदे मैंने गोल्डन झुमके कन्ना बिच पावा झुम झुमके मन जावे मैंने शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाया वे शोज में के लोग इधर उधर खड़े हुए होते हैं और अचानक हम ऑन एयर आ जाते हैं। अच्छा जी, आज हमने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में शो किया और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जिस दिन से मैंने शो शुरू किया था मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम कॉलेज में जाएं और सवा साल के अरसे में कोशिशों के बावजूद सवा साल बाद आखिर आज मैं यहाँ पहुंच ही गई। और यकीन मानिए हमारी तमाम टीम, सतरंगी की टीम, हमारी एक्सप्रेस की टीम, हमारी लाहौर एक्सप्रेस की जो टीम है, वो तमाम लोग आज बड़ा खुश हैं क्योंकि आज का शो हमारा बड़ा मजेदार हुआ है और हमें तो मजा आ रहा है। आप लोगों को आया या नहीं आया ये बताएं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी तमाम लड़कियों से कि चूंकि हम लोग भी अपने घर से आते हैं, हमारे मेरे बच्चे, हम लोग सब इनके अपने काम छोड़ के आए, वो अपने काम छोड़ के आए हैं, तो हम जैसे ही शो खत्म करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे, तो प्लीज डिसिप्लिन का ख्याल रखिएगा। और हम माफी चाहते हैं सब लोगों से, उन तमाम लोगों से, कि हम सबके साथ पिक्चर्स नहीं बनवा सकते, हम सबको ऑटोग्राफ नहीं दे सकते। माशाल्लाह इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पर, तो हमें तो रात यही हो जाएगी, क्या ख्याल है? तो माइंड मत कीजिएगा इस चीज का, बड़ा होता है कि जाने का कहते भाई वो लोग तो आए थे वो तो ऐसे चले गए, उन तो हमें से तस्वीर भी नहीं बनाई, वो तो ऐसे थे वो तो ऐसे थे, और ये हवा बहुत तेज चल रही है, तो जी जो वजन वाले होते हैं उनको जरा मसला नहीं होता, हवा चले भी तो वो उड़ नहीं सकते। बारिश का नहीं कह सकती। अच्छा आपको बताया कोमल कैसा लगा आज यहाँ पे? मुझे इस वक्त इतना मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकती, बिकॉज आई एम लविंग द फैक्ट दैट ये सारी लड़कियां जो हैं ये इतने, यानी इतनी हुल्लड़ हंगामे वाली हैं दैट
नॉर्मली होता है कि उकसाना लाइक थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन ये लड़कियां मुझे मोटिवेट कर रही है। अहमद आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग का प्यार मोहब्बत और इतना आप लोगों ने एंजॉय किया है कि ये एक तो टाइम का पता ही नहीं चला, और दो तीन चार घंटे और हम ठहर सकते हैं जेब, वैसे कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग जाएं कोई टेंशन नहीं, मैं अकेले छोड़ मैं आपको लड़के की हवाले करके जाऊंगी आज। नहीं, आप लोगों ने जितना आई थिंक एंजॉय किया है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने किसी कॉलेज में इस तरह का लाइव इवेंट एंजॉय नहीं किया। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं आज? भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मजा आया, और जितना मैं शर्मा रहा था उतना अब नहीं शर्मा रहा, अब मैं सुकून से बैठ गया हूँ। मगर वाकई जो मैंने बहुत बार सतरंगी शो अटेंड किया है, जवेरिया का शो बहुत बार इनकी कर्टसी ये बुलाते हैं, इतना मजा कभी नहीं आया, सच्ची बात है। और फिर गिर गया। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं जो सर सैयद की जितनी लड़कियां हैं इनको सबको 50% ऑफ है मेरे सैलून पे, हर सर्विसेज पे 50% ऑफ है। स्टूडेंट को, जितनी स्टूडेंट है यहाँ पे उनको 50% ऑफ है, चाहे वो हेयर कट हो, चाहे वो मैनिक्योर पेडिक्योर, चाहे वो वैक्सिंग, चाहे वो ब्लो ड्राई हो, चाहे वो मेकअप हो, जितनी स्टूडेंट है सबको 50% ऑफ। वाह भाई जबरदस्त। तो आप क्या देख के, आपको क्या चाहिए होगा, स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा? हाँ कार्ड लेके आए अपने, आइए जी तीनों, इनको देखे जी। हमारी ये लड़कियां भी जो है तैयार हो गई हैं, और कैसी लग रही है आपको? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए जी, बहुत सारी तालियां इनके लिए और वाजिद खान के लिए, और वाजिद खान की पूरी टीम बैठी, आप लोग तशरीफ रखिए। वाजिद खान की टीम जिन्होंने वाजिद के साथ मिलकर यहाँ पर आप लोगों को खूबसूरत बनाया, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां बजाइए। आप इजी हो जाए आप लोग। अच्छा जी, शो शुरू होने से, जब शो शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि इसी कॉलेज की मैं भी पढ़ी हुई हूँ, और जब कॉलेज में हम होते हैं तो हम कहते हैं हाँ अभी एक साल हुआ है, अब दूसरा साल, अब जल्दी जल्दी बस पढ़ाई ख़त्म हो और हम इंजॉय करें, लेकिन यही वो टाइम होता है कि जो ज़िंदगी में जितना यहाँ पे इंजॉय करते हैं हम स्कूल कॉलेजेस में, हम कभी ज़िंदगी में इतना इंजॉय कर ही नहीं सकते। तो ये वक्त बहुत सुनहरा वक्त है, गोल्डन पीरियड है, इसको दिल से इंजॉय करें, इसको दिल से जिएं, क्योंकि यही एक्चुअल ज़िंदगी की वो यादें होती हैं जो कि आपके साथ रह जाती हैं, और आप सोचते हैं कि वो वक्त कितना अच्छा था। पहले हम सोचते थे कि स्कूल का ज़माना बड़ा अच्छा था, फिर जब कॉलेज से बाहर निकलते हम कहते कॉलेज का ज़माना बहुत अच्छा था, लेकिन स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें थोड़ा सा डर भी होता है, कुछ चीज़ें छुपके छुपके भी हम लोग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेकअप भी जल्दी जल्दी छुपके छुपके कर रहे होते हैं, तो ये वो लाइफ होती है कि जिसमें थोड़ा सा डर भी होता है, और थोड़ा सा टीचर्स का, अम्मी अब्बू का, बड़े बहन भाइयों का खौफ भी होता है, तो इस डर के अंदर जो खुशी छुपी हुई होती है वो आपको कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। तो इस टाइम को जी लें, दिल से जी लें, ऐसा ना कि भाई बोझ है बस चार साल जल्दी से गुजर जाए। और मैं शुक्रिया अदा करूंगी तमाम उन लोगों का जिन्होंने यहाँ पे इस शो को करने में हमारा साथ दिया, जिनकी वजह से ये शो यहाँ पर हो पाया। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, समीर शाहान और खासकर हमारी टीचर्स जिन्होंने हमारा यहाँ पे इतना साथ दिया, जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, बहुत सारी मेरे जमाने की भी हैं यहाँ पर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरी हाँ आपकी सतरंगी की टीम इतनी मेहनत की अभी कर रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ आगे जा रही हूँ। पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमें यहाँ पे परमिशन दी और हमारा साथ दिया यहाँ पे, जितनी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, जितनी टीचर्स हैं, और नफीस भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, उसी खिड़की के कोने में आप बैठे होंगे यकीनन, तो जी अपने लिए, और हमारी सतरंगी टीम का भी बहुत शुक्रिया, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने भी आज अपने लिए, जोरदार तालियां बजाइए और आ जाइए जी। हम प्रोग्राम के खिताब की तरफ बढ़ रहे हैं, और सतरंगी का गाना जो कि अहमद जहांजेब ने कंपोज किया है, मैंने लिखा है और मैंने ही गाया है, वो हम गाएंगे। आ जाए, आ जाओ कमल, आ जाए, आ जाओ, चलो जी स्टार्ट करें, थोड़ी देर और बैठे हैं, फ्रेंच फ्राइज के साथ लोग खाना, चलो जी स्टार्ट करें। और जी सतरंगी भी आने वाला है कुछ नया जो आप बहुत जल्द देखेंगे।
सतरंगी पाकिस्तान जिंदाबाद।